बहुत से लोगों ने कहा ना कि पुराना खतियान का पूरा तरीका बता दीजिए कैसे निकालेंगे। मतलब सबको कंफ्यूजन था कि क्या प्रोसेस है निकालने का, कहाँ से निकलेगा, क्या कहीं ऑनलाइन पे भी है। तो ये सारे क्वेश्चन का जो है जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे कि पुराना खतियान आपको निकालना कैसे है, पुराना खतियान निकालने के लिए फॉर्म जो है वो कौन सा भरना, और पुराना खतियान ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ उसका भी रीज़न आपको बताएंगे। आपको इसको भी निकालने के लिए जो है कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब जो खतियान है ना आप ये पुराना ओल्ड वाला आप देख रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये पुराना खतियान निकालने के लिए, ठीक है, ये सारा बात जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो भी है ना कि आप जिसके नाम का खतियान देखना चाहते हैं उसका नाम जो है पुराना खाता और मौजा की जानकारी होनी चाहिए। मतलब खतियान है ना आपका सबसे पहले, यानी वो अभी आपका नया होगा, एक अभी आपके पास नया होगा जो कि आप ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो नया खतियान है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसमें एकदम थोड़ा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो नया है वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराना है वो ऑनलाइन नहीं है। क्यों, उसका उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि अगर हमको पुराना निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अभी हम नया अगर निकालते हैं तो उसका जो भी है खाता, ठीक है, खेसरा, नाम जो भी है वो सब अपना याद करके रखते हैं। लेकिन अगर हमको जो है वह कोई भी अगर पुराना निकालना होगा, पुराना खतियान निकालना होगा, तो पुराना खाता जो है आपका है, ठीक है, पुराना खाता उसके बाद जो भी नाम है बस ये ज़रूरी है। और उसके साथ क्या ज़रूरी है वो हमको आपको बता देते हैं, मौजा, ठीक है, कौन सा मौजा है, और उसके बाद अंचल तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो जो आपका पहले होगा वो होगा वो, लेकिन ये इतना चीज़ ज़रूर आपको होना चाहिए खतियान में नया में कि जो है खाता खेसरा, पुराना जो आपका खाता है पुराना क्या है वो पता होना चाहिए। वो पता होता है तो आसानी से निकल जाता है, ठीक है, और नाम पता होना चाहिए और मौजा पता होना चाहिए। आपका जो है आज़ादी से पहले जो आपका जिला हुआ करता था ना उस जिले के कार्यालय में जाना होगा। मतलब ये तो 1905 का ही बना हुआ खतियान था, अंग्रेजों के द्वारा जो है एक बार सर्वे कराया गया था 1905 में, और उसी समय जो है सबको खतियान एक तरह से दिया गया था, सबको खतियान उसी समय मिला था। तो ये 1905 वाला जो खतियान है ना, जो पहले वाला खतियान है, जिससे 1900 जो आप बोल सकते हैं 60 वाला जो सर्वे था, थोड़ा समय लगा था, 62 66 ऐसे करके धीरे धीरे जो है सब जगह आया था, लेकिन जो 1960 का जो सर्वे हुआ उसमें उसके बाद जो है ना इसको अपडेट जो किया गया दोबारा, तो इसमें ये खतियान जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो उस समय जिला जो आपका होगा उस जिले के कार्यालय में जाना होगा, ठीक है, वहाँ जाके आपको जो है पूरा डिटेल फॉर्म में भर कर देना होगा। हाँ, खतियान अगर आप वहाँ से निकालेंगे तो हो सकता है आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ पैसा लग जाए, लेकिन दलाल के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा रकम जो है फिर वहाँ पे ले सकता है। तो अपने से प्रोसेस कीजिएगा जो तरीका है, जो रूल है कि वहाँ पे जाना है और आपको खतियान के लिए अप्लाई करना, उसके लिए फॉर्म है, उसके लिए कुछ शुल्क है, वो आपको थोड़ा सा जो है मतलब, लेकिन अगर आप दलाल के चक्कर में पड़ते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट आपका जो है जा सकता है, लेकिन आपको जो है निकालना खुद से, अपने से निकालना है, अपने से आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, जब आपका नंबर आएगा तो वो जितना भी फॉर्म भराता है उसको देना ही रहता है, और सारा डिटेल आपको जो है पूरा मेंशन करके मिलेगा इसमें, सारा जो है खाता जो है प्लॉट जितना भी है सारा प्लॉट आपको मेंशन करके इस तरीके से, और सारा जो नाम उसके साथ है वो लिख के फिर मोहर लगा के वो सारा चीज़ जो भी है, थाना हो गया, मतलब सारा तो रिकॉर्ड में रहता ही है ना, उसी का आप समझ लीजिए उसका इन्फॉर्मेशन जो है, या फोटो कॉपी करे या जो भी करे, ठीक है, वो करके पूरा पेज का जो है आपको दिया जाएगा वहाँ पे खतियान का, जो पुराना वाला अगर आप खतियान निकालते हैं। अच्छा, निकालने के बाद आपको क्या करना उसको समझना। देखिए जब खतियान आप निकाल लीजिएगा ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप चाहे तो खतियान के कुछ जो है कुछ पन्ने भी चाहे तो आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारा आपको निकालना, तो जब कॉस्ट लगेगा तो कुछ आप चाहें तो कुछ पेज, जैसे क्या होता है बहुत लोगों का कानून में या कोर्ट में केस रहता है और कुछ ही खेसरे पे रहता है, मतलब ऐसा नहीं 3-4 खेसरा उसका दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, तो वो लोग उतना ही निकाल के फिर उतना ही ओरिजिनल कॉपी जो होता है वो जमा करते हैं, तो
बस इतना ही करना होता है। अगर आप कुछ पन्ने लेते हैं ना तो आपको कुछ कम ही शुल्क वहाँ पे देना होगा, मतलब ज़्यादा आप नहीं लेते हैं तो ज़्यादा नहीं देना होगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। पूरा खतियान निकालने के बाद ना आप नए खतियान से ज़मीन का डिटेल अगर मिलाकर देख सकते हैं, जैसे पूरा खतियान जो निकालने के बाद जो है ना आप नए खतियान से अपना ज़मीन का डिटेल मिलाकर जो है देख लीजिए। जैसे आपके पास एक नया खतियान है जो कि पहले से है, पूरा देख लीजिए, उसमें सारा में रकवा है, ठीक है, और जो आपका पुराना है ना, पुराना है उसमें भी सब में रकबा है। जैसे रकबा का तो जल्दी फर्क नहीं आता, हो सकता है खेसरा ना पहचाने, लेकिन जो रकबा है, जैसे जो भी रकबा डिसमिल वगैरह में लिखा हुआ है, वो सारा जो ज़मीन कितना है, मतलब जो भी समझ सकते हैं कट्ठा रकबा जो भी है, तो रकबा जो है तो डिसमिल वगैरह में लिखा रहता है उसमें, तो जितना है टोटल आप मिला के देख लीजिए कि आपका जो है कितना कम आ रहा है नया में, ठीक है, और पुराना में कितना है। तो जो कम आ रहा है मतलब वो कौन वो क्या है और क्यों आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सारा चीज़ जो है ना डिटेल से आपको जो है पता चल जाएगा, और इसके बाद जो है आप अपना डिटेल, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ होगा कि आपका ज़मीन बिहार सरकार हो गया होगा या कोई मतलब एक तरह से दूसरे के नाम से हो गया होगा, तो वो सब चीज़ का सुधार जो है आप करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। ये पुराने वाले का जो वैल्यू है, सिर्फ जो वैल्यू होगा ये कोर्ट में ही होगा। कोर्ट में ज़मीन का सुधार के लिए ना नए खतियान और पुराने खतियान का ओरिजिनल कॉपी जमा करना पड़ता है। जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में जब भी जो जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, दो जो भी पार्टी होंगे, ठीक है, उनको एक नया का भी ओरिजिनल कॉपी चाहिए और पुराने का भी जिस ओरिजिनल कॉपी चाहिए, अगर TSC चल रहा तो भी चाहिए, उनको निकलवाना ही पड़ता है और वहाँ पे देना ही पड़ता है। वो कोई फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा। अगर आप कोई रसीद वगैरह कटा रहे जो भी, तो पुराना जो है वो भी वहाँ जमा होगा और नया जो भी है वो भी जमा होगा, तो दोनों निकाल के लोग जो है वहाँ पे जमा कराते हैं, ताकि वेरीफाई करने के बाद, अब जिसके ऊपर जो है TS होता है, मतलब कोई अगर आदमी है और उसके नाम से ज़मीन जो है सर्वे हो गया है, तो वो उसके पास जो साक्ष्य होता है कि वो उसके नाम से चला गया है, तो अगर उस जो उसका नाम है उसको पूछा जाता है कि आपके नाम से आया तो क्या साक्ष्य है, पहले आपका क्या पुराना में था, तो नहीं था, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता। बहुत लोग नकली कागज़ बना के रखते हैं, देखिए मेरे पास रजिस्ट्री है, आपके ये रजिस्ट्री, और वो भी वैलिड नहीं होते हैं, वो भी नकली है, वो भी फर्जी है, तो उसको भी जाँच करवाया जाता है कि ये जो साक्ष्य दे रहा है वो सही है कि नहीं है। अब कोर्ट में जल्दी लोग गलत डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो फिर वहाँ पे तो और टेंशन वाली बात है, फिर आप जो है एक तरह से फ्रॉड में भी आप जा सकते हैं, आप पे अलग से मुकदमा चल सकता है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि कोई आप नकली डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे दिखा रहे हैं, इसलिए वो उसको रिकॉर्ड से जो है मिलाया जाएगा तभी कुछ किया जाता है। तो इसलिए ये जो है पूरा प्रोसेस होता है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।